हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जैक बोर्ड क्लास 7, 8, 9, 10 वालों के लिए जैक बोर्ड के तरफ से आकांक्षा जूनियर स्कीम निकाला गया था, जिसके तहत क्लास 7, 8, 9, 10 में पढ़ने वाले स्टूडेंट को नीट, क्लैट और इंजीनियरिंग का तैयारी करवाया जाएगा। इसका फॉर्म सितंबर में ही भरा दिया गया था। आई होप आप सभी ने भरा होगा। मैंने वीडियो भी बना दिया था स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा कमेंट आ रहा है कि आकांक्षा जूनियर का एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट जेन्युइन रहेगा तो उस पर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो देखिए, जैक बोर्ड जो है बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल कछुए की चाल चलता है, ठीक है। CMMSS का एग्जाम आई थिंक अगस्त के आसपास हुआ था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, बट अगस्त के आसपास हुआ था। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो सोच लीजिए, आकांक्षा जूनियर का फॉर्म तो सितंबर में भराया गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि जनवरी तक इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। जनवरी तक वेट कीजिए, जनवरी तक एग्जाम हो जाना चाहिए। थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस होता है जैक बोर्ड में, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। ये सिर्फ आकांक्षा जूनियर का नहीं है, सब चीज में जैक बोर्ड थोड़ा धीरे 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 होता है। बट ऐसा नहीं है कि मिस हो जाएगा, छूट जाएगा, नहीं होगा, होगा 100% एग्जाम होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और कितना वक्त लगेगा ये मुझे भी नहीं पता। मैं कुछ दिन बाद अगले सप्ताह जैक ऑफिस जाने वाला हूं। आप लोगों का CMMSS का रिजल्ट के बारे में पूछना है, ओलंपियाड सेकेंड राउंड का रिजल्ट के बारे में भी पूछना है। वैसे ओलंपियाड सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है, मुझे पता है, बट रिजल्ट मेरे पास नहीं है, तो मैं रिजल्ट लेने का कोशिश करूंगा। और आप लोगों का जो आकांक्षा जूनियर है क्लास 7, 8, 9, 10, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूंगा अगले सप्ताह जैक ऑफिस जाकर। तो जो भी उधर से इंफॉर्मेशन मिलेगा जैक ऑफिस की तरफ से, उस पर वीडियो में बना दूंगा। आप लोग अभी बस अपना जो एग्जाम आने वाला है, फाइनल एग्जाम फरवरी मार्च में, उसका तैयारी कीजिए। और क्लास 7 के नीचे वाले बच्चों, आप सबों का भी एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा फरवरी मार्च के आसपास ही होगा, ठीक है। तो वो भी आप तैयारी कीजिए। अभी अभी आकांक्षा जूनियर का थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ दीजिए, ठीक है। एग्जाम होगा, जब जैक फॉर्म भरवाया है तो एग्जाम होगा 100%, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यही इन्फॉर्म करना था कि टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि आकांक्षा एग्जाम नहीं होगा, होगा 100% होगा, ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और आकांक्षा का जो सिलेबस है वो आप जिस क्लास में है वही क्लास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उससे पहले का क्लास भी काफी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लास 8 में है तो 8 का तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्लास 6 क्लास 7 से भी क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। तो यही सब सिलेबस है, प्रीवियस जो भी क्लासेस है उसका आप लोग रिवाइज करते रहिए अगर आकांक्षा एग्जाम में पास होना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए कि आकांक्षा जूनियर का एग्जाम होगा, बस थोड़ा सा वक्त लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ गुड डे।